गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माइंड मैथमेनिया यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 12 इंटीग्रेशन टॉपिक, इन विच वी विल डिस्कस फर्स्ट एक्सरसाइज रिमेनिंग क्वेश्चन। तो आइए डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल माइंड मैथमेनिया को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे बात करते हैं। 27 में ये दिया है, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे साइन क्यूब एक्स है, इस पूरे को अलग अलग ला के एक बार इनके साथ एक बार इनके साथ तोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, तो आपको याद होगा कि आप सेक एक्स इंटू टेन एक्स के इंटीग्रेशन से परिचित होंगे, ठीक है। क्या होता है सेक एक्स, और दूसरा क्या होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स, ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान रखना, इसी का यूज होगा यहाँ पे। और इसको ऐसे तोड़ लीजिए, कॉस क्यूब एक्स और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आप देख रहे हैं कि आराम से ये इतना टूट जाने के बाद अपना वही पुराना फॉर्म जो मैंने पहले ही वीडियो में दिखाया था कि इसका ज़्यादा यूज होना है। तो आप देखिए कैसे, जैसे ये क्यूब से ये पूरा स्क्वायर कटेगा, आप देखोगे साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसी तरह से ये पूरा क्यूब उठा तो ये कॉस एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स आपका बचेगा, ठीक है। तो आप देख क्या रहे हैं कि ये दोनों ही फॉर्मेट मैंने बताया हुआ है, आप इसको यूज कर सकते हो। दोनों में ये वाला सिस्टम यूज होने वाला है। तो आप देखिए साइन एक्स अपनी जगह, कॉस स्क्वायर एक्स को मैं तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू वन अपॉन साइन एक्स, ठीक है। इसी प्रैक्टिस कीजिए, आप खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा फॉर्म कैसे बनने वाला है, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए, देखते ही पता चल जा रहा है ये फॉर्म बन चुका है। अब इसका इंटीग्रेशन का ऑपरेटर लगा के इंटीग्रेशन कर लीजिए। ये बेटा आपका टेन एक्स हो जाएगा, ये आपका सेक एक्स, इसी तरह से ये कॉट एक्स, और ये वन अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉस एक्स। आप समझ गए क्या हुआ, ठीक है। अब देखिए एक बार इनके साथ इंटीग्रेशन करेंगे, तो आप देख लीजिए मैं इसी पे ला दे रहा हूँ इंटीग्रेशन का चिन्ह, ठीक है। और एक बार इनके साथ, तो ये देखिए इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, आप कहोगे सेक एक्स, और इसका बेटा क्या हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स, ठीक है। और प्लस सी अपनी तरफ, कारण क्या है सी लगाने का, फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। फिर देखिए ये तो यहाँ इसका आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29, ठीक है। दोनों ही काम के क्वेश्चन है, आप अधिकतर इसको फिजिक्स या अदर मैथ में देखोगे, पहले डायनेमिक्स होती थी उसमें आ जाता था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, कह रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। याद कीजिए कौन सा ऑपरेटर है, आप कहोगे डिफरेंशियल, ठीक है, अवकलन वाला ऑपरेटर है। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, फोर एक्स क्यूब है माइनस थ्री ई की पावर एक्स है प्लस फाइव, ठीक है। आपसे कह रहा है वाई का मान पता करो, तो बेटा वाई का मान तभी पता होगा जब ये डी एक्स ऑपरेटर इन सबके साथ यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, ठीक। और ये डी जो है इसका काम करे, ठीक है, ये दोनों ऑपरेटर मिलके समाकलन बना दिया। अब यहाँ अकेले कौन बच रहा बेटा, वाई बच रहा। अब वाई का इंटीग्रेशन इस पूरे कर लो तो वाई का मान निकल जाएगा, तो फोर एक्स की पावर थ्री प्लस वन फोर हो गया अपॉन में फोर, ठीक है। फिर देखिए थ्री इंटू ई की पावर एक्स का बेटा समाकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है प्लस फाइव है इंटू वन, वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप देखोगे यक्स हो जाएगा और प्लस सी लगा लेना, ठीक है। ये वाई का मान है, तो मुझसे पूछा था यही वाई का मान बताना, तो आप समझ गए होंगे वाई का मान कैसे आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, ठीक है। नोट्स आप लोग बना लीजिए, यदि आपको छूटा हो कहीं, ठीक है। तो डी एस अपॉन डी टी, इसका मान क्या है टू टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन, ठीक है। हमसे कह रहे हैं यस और टी के बीच संबंध याद कीजिए, तो आप क्या करोगे इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो यस अकेले बन जाएगा और यस टी के बीच क्या हो जाएगा संबंध मिल जाएगा।
और कह रहा टी का मान जीरो होने पे एक्स का मान बताना है, ठीक है। तो दोनों ही स्थितियों में आप देखो पहले एस का मान तो निकालें, एस बराबर क्या हो जाएगा, आप देखिए डी टी इधर चला आएगा, ठीक है, और जो ये डी है वो इंटीग्रेशन का चिन्ह बना लेगा, टू टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, टू अपनी जगह समाकलन करो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थ्री और ये थ्री कैसे होता है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में देख लीजिए वीडियो, आप पूरा क्लियर हो जाएगा। टी का समाकलन टी स्क्वायर अपॉन टू, आप जानते हैं ये वन है और वन का समाकलन बेटा टी हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो यस और टी के बीच यही आपका एक रिलेशन, ये फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है। अब कह रहे टी का मान जीरो होने पे यस का मान, तो आप देखोगे टी का मान जीरो करना है, रखना है टी बराबर जीरो रखने पर, तो यस का मान आप निकलना है टी बराबर जीरो रखने पर। तो आप देखोगे टी का मान जैसे ही जीरो रखोगे तो टू इंटू पूरा का पूरा क्या हो जाएगा जीरो, इसी तरह ये क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है, और ये इसके बाद ये भी जीरो, तो ओवरऑल यस का मान जीरो आ जा रहा, कब, जब टी का मान हम क्या रख रहे हैं जीरो। तो अच्छे से समझे होंगे, यदि नहीं समझे हैं तो आप पुरानी शुरू से वीडियो देख लीजिए, एक से लेके ये पांचवा पार्ट है, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत आती तो व्हाट्सएप नंबर 9793247240 इस पे जरूर आप लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको अधिक से अधिक और जानकारी दी जाएगी, लेकिन उससे पहले फार्मूला जैसे a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारे ही छोटे छोटे फार्मूले अच्छे से देख लीजिएगा, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।